So, I wanted to ask, So, so you earlier said that uh, if someone is wrong to us, so we should not shout and we should not be angry, so, and we should be kind. So, but if that someone take, uh, starts taking advantage, so then what are we supposed to do? Nam So, Devashish. Devashish. Thank you. Devashish ka question, very difficult. Hai. Uh, आप सब सोचो देवाशीष आई थिंक यू हैव टू कम अगेन वेरी सॉरी टू कॉल यू हियर प्लीज क्या एडवांटेज लेगा सोचो एडवांटेज वो क्या लेगा इसको इवेल्युएट करते हैं हाँ क्या लेते हैं so, like कोई एग्जाम्पल बिल्कुल रियल हाइपोथेटिकल नहीं सर लाइक सर मदर एंड द चाइल्ड। हाँ जी आप अपना कोई एग्जाम्पल उसका सुनाएं। ऐसे आपने किया और मैंने जैसे बोला था कि य मत करो आ, फाइट मत करो ऐसे आपने कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया था मेरे लेक्चर से पहले और फिर आपको उस उस हम्बलनेस के कारण दूसरे ने एडवांटेज उठाई क्या उठाई क्या किया था उसने सर लाइक इन जनरल सर इफ सिर्फ द सिर्फ देर इज नो पनिशमेंट सर ऑब्वियसली सर सर द विल नॉट हैव एनी फ़ियर एंड दे विल नॉट लाइक दैट ओके तो वो जो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में फेल हुए थे वो फादर को मारना चाहिए फिर पनिश तो करना चाहिए यू एग्री दैट फॉर सम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बच्चे देवाशीष ये जितने भी दुनिया में हम देख रहे हैं ना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है सड़क के ऊपर ही अगर दो कारें आपस में या साथ में से स्कूटर गलत निकल गया है लोग एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं या झगड़ा हो रहा है ये इसी का कारण है कि हम सारे एक दूसरे को पनिश ही तो कर रहे हैं बचपन में हमारी को फ्रस्ट्रेशन थी मम्मी पापा से उसके बाद थी स्कूल की टीचर से और वो वाला गुस्सा सारी उम्र निकलता है क्योंकि हम उसके बारे में जागे नहीं टीचर ने गुस्सा किया हमको बिठा दिया चुप कर जाओ मुर्गा बन जाओ एक टांग पे खड़े हो जाओ चक्कर लगा के आओ है ना क्लास से बाहर निकल जाओ ये सब कुछ किया ना एडवांटेज उसने क्या लिया टीचर को तो अपनी तनख्वाह मिलनी है डिसएडवांटेज आपको हो गई कि आप टीचर से भी नाराज हो गए और खड़े होकर पनिशमेंट भी बेयर करनी पड़ी टीचर को एडवांटेज क्या मिली कि जब भी क्लास में कुछ होगा वो देवाशीष को पकड़ के खड़ा कर देती है पर देवाशीष को हर बारी फसा के खड़ा कर देती है टीचर टीचर को एडवांटेज क्या मिलती है टीचर इज नॉट टेकिंग एडवांटेज बच्चे ये जितने बच्चे हैं इनके इनके अलावा वर्ल्ड वाइड हमने जितने बच्चों के साथ बात की चाइल्ड साइकेटिस्ट बोलता है 95 परसेंट बच्चे अपनी मम्मी से नाराज इसलिए रहते हैं क्योंकि मम्मी पनिश करती है यह वर्ल्ड का रिकॉर्ड है स्टेटिस्टिक्स है 93 परसेंट अपने पापा से नाराज हैं ये सारे पनिशमेंट के कारण ही तो नाराज हैं सो पनिशमेंट Is not the criteria to fix up the problem. To make someone समलाइज्ड के गलती एक्चुअल में कहाँ कैसे हुई है उसको रियलाइज करते टाइम गुस्से से करें तो उसको बोलते हैं एक मेरे को जो क्या आ है एक एक बॉस अपने पियन को बैल करता है पियन को बुलाता है ओ शामू इधर आओ तुम वहां से अशोक क्लर्क को बुला के लाओ वो अशोक को जाता है बुलाने और अशोक क्लर्क नहीं आता मैंने नाम ऐसे बनाया है एग्जाम्पल है पीएन को बोला क्लर्क बुला के लाओ क्लर्क नहीं आता ये उसको बोलता है दोबारा से कि तुमको बोला था उसको जल्दी बुला के लाओ अर्जेंट है वो फिर बुलाने जाता है वो नहीं आता ये तीसरी बारी बोलता है आपको उसको जाके गुस्से से बुला और उसको बोल तेरे को साहब ने जल्दी बुलाया था तू आया क्यों नहीं वो नहीं आता तीसरी बारी जब वो पी वापस आता है तो ये बोलता अच्छा मैं जाता हूँ बॉस उठ के यहाँ से गया उसने जाके क्लर्क के कमरे में क्लर्क को जाते ही बुलाया नहीं जाते उसको एक थप्पड़ मारा कस के बोला तेरे को मैसेज नहीं मिला कि मैंने बुलाया है तो बोलता है सर मैसेज तो अब मिला है इसका मतलब हम लातों के भूत बातों से नहीं मानते मतलब जब तक हमें कोई पनिश ना करे तब तक हम नहीं मानेंगे ये जो वर्ल्ड वॉर चल रही है ना जिसके कारण जगह जगह इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है ये उस पनिशमेंट का ही नतीजा है हम सब फुल्ली एक्स्टम्ड हो गए हैं ट्यून्ड हो गए हैं पता नहीं कैसे क्या हमको रिवार्ड और पनिशमेंट की गेम समझ में आती है रिवार्ड और पनिशमेंट की गेम में हम बड़ी बुरी तरह से बचपन से फंस चुके हैं जब भी हम कुछ मांगते थे मम्मी पापा बोलते थे अच्छा मेरा कहना मानेगा दूध पिएगा तो तेरे को चॉकलेट लेके देंगे अच्छा तू टाइम पे स्कूल जाएगा तो तेरे को टॉय ले देंगे तो ये होता था रिवॉर्ड और जहाँ पर हमने कुछ नहीं माना वो होती थी पनिशमेंट तो हम वही वाली पनिशमेंट की और रिवार्ड की बदमाशी को तो आगे कैरी करते हैं अब हम ट्वेंटी सेंचुरी में हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हमको सीखना है उसको बोलते हैं हम गुरबानी में पाख्या पाओ पार प्यार की बोली ओनली प्यार की बोली सिर्फ प्यार की बोली करते जाएं तो सारा कुछ ठीक हो सकता है प्यार की बोली को बोलते हुए दूसरा हमारे सिर पे चढ़ जाए हम इसको बोलते हैं ये एडवांटेज ले रहा है कब तक चढ़ेगा उसको एक बार सिर पे चढ़ने तो दो हमारे सिर का साइज छः इंच है और लोगों का पाँव नौ इंच का होता है वो एक पांव रख पाएगा और फिसल जाएगा नहीं रख पाएगा हमारे सिर पर पाँव। डोंट वरी इतनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना बनाओ कि वो सिर पे चढ़ जाएगा अपनी पेशेंस को काबू रखना है और अपनी गलती को समझना है जहां हम समझ जाएंगे दूसरे को चांस ही नहीं मिलेगा ट्राई टू अवॉइड दैट कन्फन्ट्रेशन ट्राई टू अवॉइड दैट पर रिलेशनशिप प्यार वाली चारों तरफ हम करते जाएं। अगर जहां पर कोई इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको कोई बॉर्डर करता ही जा रहा है ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ट्राई टू अवॉइड डोंट आर्ग्यू डोंट अपनी चौंच मत फंसाओ उसमें वहां पर नो नीड टू बी जज ओवर देयर बस आप आपकी एडवांटेज कोई नहीं उठाएगा लेकिन आप क्योंकि स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने एग्जाम्पल बनाया कि आपके एडवांटेज क्या मम्मी पापा क्या उठा लेंगे तीसरी पर्सनैलिटी टीचर है क्या उठा लेंगे कोई नहीं उठा सकता राइट right? मुझे नहीं मालूम कि देवाशीष ने एडवांटेज किस एंगल से उठाने की बात की है मैंने आपके सामने थोड़े से एग्जाम्पल बनाए हैं और अपना शेयरिंग किया क्वेश्चन इज वेरी डिफ़िकल्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सब्जेक्ट टू दैट चीटी दैट कीड़ी जिसके सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन रखी गई है उसने अपना रास्ता कैसे बनाना है राइट right? किसी के सामने पत्थर रखा गया किसी के सामने एक पाँव रखा गया है किसी के सामने एक ट्रंक रखा गया है यह चीटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कहीं से निकल के जाए ईच इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे ओनली वन हैज टू कंसनट्रेट कि मैंने दीवार के साथ सिर नहीं मारना फाइन